मथुरा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। जनपद पर में चल रहे मतदान केंद्रों की देखी व्यवस्था। सभी केंद्रों को रखा गया है सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे से न्यूज एक इंडिया संवाददाता महेश सिंह ने की खास बातचीत। बातचीत के दौरान मथुरा एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि मतदान शुरू हो चुका है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ अफवाह फैलाना वालों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर किसी ने कोई अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतदान करने वालों से बातचीत की, ओके मतदान बढ़िया सर, ऐसे होगा। इस समय मौजूद हैं हम बीएसए कॉलेज में, जो आज मतदान हो रहा है यहाँ पर। बीएसए कॉलेज में मतदान किस प्रकार से हो रहा है दिखा रहे हैं, इस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रकार से मतदान चल रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ वोट डाल रहे हैं, किस प्रकार से वोट डाल रहे हैं, उनका जो चैम्बर भी है वोट है, इस प्रकार से मिल रहा है। यहाँ पर बीएलओजी बैठे हैं, बीएलओजी देखो टिकट वो देख रहे हैं अपना। बीएलओजी अपने लिए यहाँ पर मतदान चलते हुए समय पर जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर वोट डालकर जा रहे हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर परिवार से सभी लेके बड़े बूढ़े और जवान यहाँ पर वोट डालने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे कुछ देर में, हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से यहाँ वोट डल रहा है और किस प्रकार से वोटों को देख रहे हैं। हमारे साथ तो कुछ बहन भी जुड़ चुकी है, किस प्रकार से वोट डाला, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, आज वोट डालने आएंगे, किस प्रकार से डालोगी वोट? कैसा लग रहा है? किसी पर डालो शुरू मत नहीं, आपको कैसा लग रहा है वोट डालने? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जिम्मेदार क्या वोट डालने का? क्या नाम है? ये बताइए आज वोट डालने आओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, किस प्रकार से देख रहे हो चुनाव? मुझे विकास होना चाहिए शहर का, इस हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा, पहली बार डाल रहे हो? नहीं नहीं, जब होते जब भी आते। भैया ने बताया वोट हम हर साल नहीं डाल रहे हैं, अब हरी प्रकार से वोट डल रहा है और बढ़िया तरह से वोट डल रहा है। मतदान करने के लिए आए हैं ये लोग और कुछ ही पल में मतदान करके आएंगे। कुछ देर में हम बात करेंगे और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बल यहाँ पर लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है हमारे साथ। कुछ ये मैडम जी जा रही है, क्या नाम है मैडम जी? रीना जी, आप वोट डाल के आई हो, किस प्रकार से डाल के आई हो, कैसा लग रहा है वोट डालने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चला रहा है। पहली बार डाल रही हो? नहीं, कितनी बार डाल रही हो? तीसरी बार डाल रहा हूं। तीसरी बार, क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर सर जी, कहाँ जी आज वोट डालने आए हो, कैसा लग रहा है वोट डालने में? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, मथुरा में विकास भी हुआ हुआ है? हाँ, विकास को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? विकास अच्छा हुआ है, हेमा मलिन ने काफ़ी अच्छा विकास किया है। अच्छा, गुंडागर्दी वगैरह सभी खत्म होंगे मथुरा से। अच्छा, आपकी बार सरकार किसकी चाहिए? मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार। अच्छा, बताया अब की बार मोदी सरकार चाहिए जिनकी, और किस प्रकार से देख रहे हैं मोदी सरकार को जो कह रहे हैं हेमा मालिनी ने यहाँ पर, हमारी जो यहाँ पर काम भी बहुत अच्छे किए हेमा मालिनी ने यहाँ पर। टाइम्स लर सिंह मथुरा इंडिया रिपब्लिक चैनल के माध्यम से नमस्कार। बीएसए कॉलेज में जो आज मतदान हो रहा है, हमारे साथ जो मतदान के लिए करने के मतदान करके आए हैं उनसे कुछ बात कर ले। मतदान किस प्रकार से किया है, क्या नाम है आपका? अनु शर्मा। अनु शर्मा जी, आप मतदान करके आए हो, कैसा लगा आज? मैंने पहली बार वोट दिया। अच्छा, पहली बार दिया है, कैसा लग रहा है पहली बार आपको वोट डाला है? अच्छा, कैसे डाला आज पहली बार वोट डाला, किस प्रकार से तुमने वहाँ पर? अच्छा, किस प्रकार से वोट दिया हो, फिर कैसा लग रहा है आज खुशी जब पहली बार दिया है तुमने वोट? आज पहली? हाँ, पहली बार ही दिया है। वाली साल से अहम वाली साल से रहे, कैसा लग रहा है, किस प्रकार से तुमने काम कराया है मथुरा जिले में? जैसे बीजेपी कुछ काम कराया है, क्या कराया है तुम्हें कुछ तो पता होगा? बीजेपी का ही काम है, बीजेपी की सरकार जो भी काम हो रहा है बीजेपी करा रही है, काफ़ी अच्छा है कांग्रेस। क्या नाम है भैया आपको? पहली बार दिया है मतदान, कैसा लग रहा है मतदान करना? पहले हेमानी सांसद है, कैसा लग रहा है तुम सांसद ने उन्होंने क्या काम किया है मतलब? काफ़ी अच्छे काम कराए हैं और वो काफ़ी सालों से भी है इस हिसाब से, और अभी भी आगे शायद रहे और आगे अच्छे काम कराएंगे हमारी।
काम करा रहे हैं तक जैसे कोरोना में उन्होंने राशन बांटा सभी लोगों के लिए और काफ़ी हेल्प की, तो चाहते हैं कि आगे भी बीजेपी है। तो अभी तक तो वो नहीं हो पाई पर आगे शायद हो जाए। छोटी वाली तो तभी तो मैं देख के कह रही हूँ कि आप जो अपना थोड़ा वो कोच करें कि यमुना को साफ कराए या फिर कुछ शायद वो इस काम पर भी सही करें। हो सकता है मारे पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि अभी तो शायद पहले पता चले कि वो जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी। जब वो जीतेगी तब शायद वो हैट्रिक भी मार बताया हैट्रिक के हैं वो वाली सांसद भी मारेंगे इस बार तो तीसरी बार उन्हें टिकट भी दिया है हमारे साथ कुछ लोग और आ रहे हैं उनसे बात कर लें तो मतदान करके आ रहे हैं लोग मतदान की बातें कर रहे हैं। मतदान मथुरा में बहुत अच्छे चरणों से चलता है हमारे साथ तो अंटी जो चुकी है जो भी बात कर रहे हैं उनके क्या नाम है अंटी कह रहे हैं हम वोट डाल के आए हैं मतदान करके आए हैं वो नहीं उन्होंने कुछ बताया और अपनी सीधी निकल गई मीडिया से वो बात करना नहीं चाह रही हैं इसलिए उन्होंने मना कर दिया वो अपनी सीधी निकल गई। ये बीएसए कॉलेज में मतदान हो रहा है उस प्रकार से बढ़िया तरह से पुलिस प्रशासन का भी यहाँ बल लगा हुआ है पुलिस प्रशासन भी जगह जगह लग रही है और यहाँ पर किसी प्रकार से देखा जाए और यहाँ पर जो ये पोलिंग पर देखा जाए तो पोलिंग की बात की जाए तो किस प्रकार से यहाँ पर पोलिंग हो रही है देखो इस प्रकार से पुलिस फोर्स के लिए खाना भी भिजवा दिया गया है खाना ले लेके जा रहे हैं अपना खाना खाएंगे भी लोग फिर मतदान के लिए फिर और लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए मतदान कर रहे हैं और यहाँ सुबह हो चुका शाम हो चुकी है दोपहर हो चुका है दोपहर में मतदान कम निकल रहा है धूप पड़ रही है इसलिए इंडिया रिपब्लिक चैनल के माध्यम से टाइम्स सिंह मथुरा नमस्कार मथुरा में इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए पूरे जनपद की अगर हम बात करें तो 17 मथुरा लोकसभा जो सीट है इसका आज मतदान द्वितीय चरण में हो रहा है इसमें टोटल 2128 बूथ्स हैं सभी बूथों पर प्रातः 7 बजे से मतदान का कार्य चल रहा है और इस समय जब हमारे पास रिपोर्ट है हमारी सारी ईवीएम काम कर रही है और सभी बूथों पर मतदान चल रहा है। लगभग सर कितने प्रतिशत? देखिए अभी प्रतिशत तो हम 9 बजे ही कंपाइल करेंगे चूंकि इस तरह से अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं। हाँ ठीक 9:10 तक हम आपको एग्जैक्ट प्रतिशत देंगे कि 9 बजे तक कितना पड़ा हुआ है उसके लिए हमारी टीमें फील्ड में लगातार काम कर रही हैं। पूरे जनपद को हम लोगों ने 224 सेक्टर्स में 35 जोन में 10 सुपर जोन और 5 एडीएम रैंक के ऑफिसर्स को लगा करके उनके साथ उनके पुलिस काउंटर पार्ट को लगा करके हम लोग व्यवस्थाओं पर निगाह रखे हुए हैं। 50% बूथों पर हमारी वेबकास्टिंग भी हो रही है जहाँ की मॉनिटरिंग सीधे तहसील कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम स्टेट कंट्रोल रूम और भारत निर्वाचन आयोग से की जा रही है। वाहनों की भी हम लोगों ने अनुमति दी है कि लोग अपने वाहनों से वोट डालने आ सकते हैं जिससे कि किसी को आने में बूथों तक कोई अव्यवस्था न मतलब कोई दिक्कत न होने पाए। बूथों पर हम लोगों ने छाया आदि की भी व्यवस्था की है जिससे मतदाता आकर यहाँ पर मतदान कर सकें। जो सीनियर सिटीजन्स हैं दिव्यांग वोटर्स हैं उनको क्यू में नहीं लगना है इसको लगातार हम उत्साहित कर रहे हैं और आपके माध्यम से मेरी अपील है जनपद के मथुरा के सभी वोटर से कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रतिभाग करें और अपने वोटिंग की राइट का उपयोग करें जिससे कि एक उनकी पसंद लोकतंत्र के प्रति जाहिर हो सके। यही मेरी बड़े बूढ़े इनके लिए कोई व्यवस्था कर रखी है जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए क्यू में नहीं लगना होगा और जैसे ही आएंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर वोट दिलाया जाएगा। व्हील चेयर आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर इस तरह से कोई दिव्यांग आते हैं जो बूथ तक नहीं जा सकते हैं उनको व्हील चेयर भी मुहैया कराई जाएगी और जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने वाहनों की भी अनुमति दी है कि बूथ के 200 मीटर के दायरे तक वाहन भी लेकर के लोग आ सकते हैं। के दृष्टिकोण से बिल्कुल व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस बीएसई होमगार्ड और सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट पूरे जनपद में की गई है। पोलिंग स्टेशन लोकेशंस की डिप्लॉयमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की डिप्लॉयमेंट हमारी एज पर स्केल है। उसके अलावा हमारे सभी बॉर्डर पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपरली मैंड है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है लगातार ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सभी सीनियर ऑफिसर्स लगातार भ्रमणशील हैं और अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं साथ ही साथ जैसा कि आयोग की मंशा है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान हो इसको सुनिश्चित कराने के लिए पूरी इलेक्शन मशीनरी जनपद की लगातार प्रयासरत है और पूरा विश्वास है कि जनपद मथुरा में
बिल्कुल अच्छे तरीके से मतदान होगा और आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील भी की जाती है कि सभी मतदाता 17 मथुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मतदाता अपने घरों से निकलें और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं।